प्लांट जो है बेटर ऑप्शन है, तो इस पे जो है सभी लोगों ने सहमति जताई है। बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौट। जगदानंद सिंह क्या अब नाराज जो नहीं, थे, सब खत्म हो गया सब? आपको कोई बताया था क्या? बहुत दिन से वो ट्रांसप्लांट होना, पिछले बार सिंगापुर गए थे तो वहाँ के डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करके जो उनका सुझाव था कि ट्रांसप्लांट जो है बेटर ऑप्शन है, तो इस पे जो है सभी लोगों ने सहमति जताई है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन, जो सर्जरी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो एक सक्सेसफुल होगा। और बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौटेंगे। जगदानंद सिंह क्या अब नाराज जो नहीं, थे, सब खत्म हो गया सब? आपको कोई बताया था क्या? बहुत दिन से पार्टी कार्यालय में कोई मतलब नहीं। आप लोग आप की का गठन हो गया है, उस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुनने में आ रहा है चार उपाध्यक्ष अब पार्टी में रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो कमेटी बनी गई है जी, उसमें बहुत लोगों को जोड़ा भी गया है। जो पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल में जो पार्टियाँ जो विलय भी की थी, चाहे LJD हो, शरद जी की पार्टी हो या देवेंद्र यादव जी की पार्टी हो, उनके भी जो नेता थे उन लोगों को भी कमेटी में जगह मिली। भी छोटा सा सवाल है, BJP कह रही है कि RJD में जो सीनियर लीडर हैं उन्हें सम्मान और तवज्जो नहीं दी जा रही है, आडवाणी जी की तरह। वो ट्रांसप्लांट होना, पिछले बार सिंगापुर गए थे तो वहाँ के डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करके जो उनका सुझाव था कि ट्रांसप्लांट जो है बेटर ऑप्शन है, तो इस पे जो है सभी लोगों ने सहमति जताई है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन, जो सर्जरी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो एक सक्सेसफुल होगा। और बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौटेंगे। जगदानंद सिंह क्या अब नाराज जो नहीं, थे, सब खत्म हो गया सब? आपको कोई बताया था क्या? बहुत दिन से पार्टी कार्यालय में कोई मतलब नहीं। आप लोग आप की का गठन हो गया है, उस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुनने में आ रहा है चार उपाध्यक्ष अब पार्टी में रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो कमेटी बनी गई है जी, उसमें बहुत लोगों को जोड़ा भी गया है। जो पार्टी, जो राष्ट्रीय जनता दल में जो पार्टियाँ जो विलय भी की थी, चाहे LJD हो, शरद जी की पार्टी हो या देवेंद्र यादव जी की पार्टी हो, उनके भी जो नेता थे उन लोगों को भी कमेटी में जगह मिली। भी छोटा सा सवाल है, BJP कह रही है कि RJD में जो सीनियर लीडर हैं उन्हें सम्मान और तवज्जो नहीं दी जा रही है, आडवाणी जी की तरह।